दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल। निकाय चुनाव शुरू हो गए हैं और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि अब तक निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं, लेकिन आरोप लगने शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों कांग्रेस ने राजस्थान के जयपुर में एक चिंतन शिविर आयोजित करते हुए ऐलान किया था कि एक परिवार को एक ही जिम्मेदारी दी जाएगी और नेता पुत्रों को टिकट नहीं दिए जाएंगे। इसी तरह का ऐलान मध्य प्रदेश में हाल ही में आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी किया था। इसी बीच अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यानी प्रदेश के गृह मंत्री ने कांग्रेस पर परिवारवाद लाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में भी कई जगह से खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस परिवारवाद के हिसाब से ही टिकट देगी। उन्होंने ये भी कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार बुरी तरह से होगी क्योंकि अब कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, सारे नेता हैं। कांग्रेस पे कार्यकर्ता बचे, नेता बचे, तो जो नेता है तो उन्हीं के परिवार को ही टिकट चाहिए। वैसे भी गंगा जब गंगोत्री पे अपवित्र होगी, इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही परिवारवाद के पोषक होंगे, तो उसके प्रदेश अध्यक्ष भी परिवारवाद के पोषक होंगे, और जो नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, वहां भी परिवार चलेगा।